हाय फ्रेंड्स वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एंड गाइस आज मैं लेके आया हूँ बोस क्वाइट कंफर्ट अल्ट्रा ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग तो ये फिलहाल जो सभी यूट्यूबर्स कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एएनसी के साथ आता है और इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने इसको खरीदा है अभी करंटली सेल चल रही है तो सेल प्राइस पे जो मिल रहा था कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के सेवेंटीन थाउजेंड के अराउंड मैंने इसको खरीदा है बट क्या ये इतना अच्छा है कि मैं आपको इसको रेकमेंड करूं या मैं आपको सलाह दूं कि इससे बचना चाहिए ये सब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो आगे तक बने रहिएगा मैं वो चीजें भी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मेरे को बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो में नहीं दिखाई दी और आपके लिए डिसीजन बनाने में ईजी हो जाएंगी कि आपको ये खरीदना है या इस पर पैसे खर्च नहीं करना है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत सारे हैं बट क्या ये कुछ अलग करता है या ये भी भेड़चाल में ही चलता है ए एन और इमर्सिव ऑडियो की क्वालिटी के हिसाब से तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो बोस की तरफ से आपको मिलता है ये, ये बटन क्यूट से बॉक्स में पीछे की तरफ सील है इसको आप टीयर ऑफ करके ओपन कर लेते हैं इसको पुल करके निकाल लेते हैं तो ये मिल जाता है हमें क्यूट सा ओपनिंग बॉक्स अपने बोस का इसको बुक की तरह अगर हम लोग ओपन करें तो हमें यहाँ पे मिलता है क्यू आर कोड इससे आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये हेल्प करेगा आपको कॉन्फ़िगर करने में अपने बोस का और ये हमको मिल जाता है सील पैक बोस का डिवाइस तो इसकी पेपर सील को हम लोग टीयर ऑफ करके ओपन कर लेते हैं तो ये मिल जाता है हमारा क्यूट सा बोस क्वाइट ईयरबड्स का बॉक्स इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पे आपके ईयरबड्स दिख जाएंगे ये स्टिकर लगा हुआ है इसको आप निकाल देंगे तो आपको यहाँ पे भी एलईडी एक दिखने लगेगी और ये हेल्प करती है आपको आइडेंटिफाई करने में जब आप पेयरिंग करते हैं इसमें ब्लू लाइट जलती है और इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे बैक साइड से जो बटन है वही आपको पेयरिंग में हेल्प करेगा साउंड भी काफी अच्छा सा आता है लेकिन ये स्टैंड नहीं होता है इसका नीचे कर्व बनाया गया है क्यों मुझे पता नहीं है साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल और साथ ही आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड टिप्स भी देखने को मिलती हैं अलोंग विद विंग्स जो कि आपके कान में बर्ड्स को काफी टाइटली प्लेस करती है ताकि वो गिरे ना साथ ही कुछ बची हुई पुस्तक मिल जाती हैं जो कि हम हमेशा की तरह इग्नोर कर देंगे तो बॉक्स में बस इतना ही सामान आपको देखने को मिलता है बात करें अगर हम लोग इसके फिट एंड फिनिश की तो बिल्कुल प्रीमियम है आप इसके स्टेम्स को देख सकते हैं जो भी बिल्ड क्वालिटी है बहुत बहुत प्यार से बनाई गई है एंड वो प्रीमियमनेस दिखती भी है इसमें सो so, देखने में काफ़ी बल्कि लगता है और जब इसको कान में डालते हैं तो पता लगता है कि यार ये तो इतना बल्कि नहीं है और काफ़ी कंफर्टेबली फिट होता है आप इसको लॉन्ग टाइम तक पहन भी सकते हैं आप इसको कान में डालते हैं एक साउंड आती है जो आपको बताती है कि अब आप इसको यूज़ कर रहे हो या इसका ए एक्टिवेट हो गया तो वो एक अच्छी चीज़ है वो इनक्यूटेड चीज़ है एंड दूसरा अगर आप इसको कान से बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो म्यूज़िक है वो पॉज हो जाता है ये फीचर आई वॉन्ट से कि बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये आजकल पांच छह हज़ार के ईयरफोन्स में भी ये फीचर आ जाता है तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग बट फीचर है पैसे देके तो ये एक अच्छी बात है सो so, अनबॉक्सिंग के बाद अगर हम लोग बात करें इसकी हार्डवेयर की तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ फाइव मिल जाता है एप्ट एक्स लॉसलेस ऑडियो आपको यहाँ पे मिल जाता है और जो हाइप बनाई गई है स्नैपड्रैगन साउंड की वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एवरीथिंग बट क्या ये इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी देता है तो मैंने इस इसपे टेस्ट की है जितने भी मैंने साउंड वगैरह इस पर चेक किया था तो ये अपने हिसाब से काफी सही साउंड देता है बेस इसमें अच्छा खासा है ट्रेबल अच्छा है बट जो इसको सबसे अलग बनाता है वो है इसका मिड में क्लैरिटी हाई एंड लो पे भी क्लैरिटी डायलॉग्स की चाहे आप म्यूज़िक हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो सेपरेट करके प्रॉपर देता है थोड़ा सा बेस हैवी है अफकोर्स जब ये इंडियन वर्जन आते हैं तो वो थोड़ा बेस हैवी करके आते हैं बट उसके अलावा आपको यहाँ पे जो अलग मिलने वाला है वो है क्लैरिटी डिस्टिंग्विश ऑफ ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग जो भी इसमें बजता है चाहे गिटार हो चाहे सितार हो सब बड़े आराम से अलग से सुनाई देता है साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी मिलने वाली है और अगर मैं बात करूँ जो सबसे इंप्रेसिव चीज थी वो था इसका ए एन आप जैसे इसको स्विच ऑन करके यहाँ कानों में लगाते हैं तो एक की साउंड क्रिएट करता है कि आपको पता लगता है कि अब ये आपको एक क्वाइट मोड में लेके जा रहा है एक, एक ऐसा जैसे कोई पंखा या कुछ एसी वगैरह बंद होता है एक हल्का -हल सा साउंड आता है और वो आपको इन्फॉर्म करता है तो वो इंट्यूटिव जो अलर्ट इन्होंने डाले हुए हैं वो उसमें बहुत अच्छे हैं और अगर आप भले म्यूजिक ना सुनना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि यार कमरे में बहुत शोर है और मुझे शांति से बैठना है आप इस ईयरबड को लगाइए ये आपको एक इतने अच्छे साइलेंट जोन में लेके जाएगा कि आपको आपकी पैसे वसूल महसूस होंगे तो ए जबरदस्त है अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको चाहिए शोर शराबे से बचना है तो ए मोड इसका जबरदस्त है बट ए कॉलिंग पे कैसा है वो मैं आपको ऑडियो टेस्टिंग में बताऊंगा और वो आपका श्योर बात है कि

तो अभी ना मैं अपने पीछे नॉइज वो चलाता हूँ वो जो मार्केट नॉइज होता है और फिर तो मेरे को बताना कि मेरी आवाज़ कितना खराब हो रही है ओके ओके चलाओ नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं है वह सराउंड साउंड ज्यादा आ रही है हाँ नहीं सुन नहीं पा रहा अभी आपकी वॉइस में कोई नहीं रहे सराउंड साउंड ही आ रहा है

और वो एक एक्स्ट्रा नॉइज़ इसमें घुस जाती है और जितना आप एन को टाइट करते जाएंगे जितना ज़्यादा उसका लेवल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो नॉइज़ बारीक होती जाएगी लेकिन रहेगी तो वो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है और ये मैं अकेला नहीं हूं मेरे को लगा शायद मेरा जो पीस आ रखा है शायद इसमें कुछ फॉल्ट होगा बट मैंने नेट पर सर्च किया तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रही है तो आई एल सी की कॉलिंग के लिए क्लैरिटी भी ठीक है इसमें Uh, थोड़ा सा साउंड दब जाती है जो आपको नॉर्मल अगर आप ईयरफोन डायरेक्टली फ़ोन यूज़ करते हैं तो जो लाउड साउंड आती है वो यहाँ पे अचानक से कम हो जाती है वो मेरे को समझ में नहीं आया मैंने फुल भी करके देख लिया तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो अगर मैं आपको सच में रिकमेंड करना चाहूँ ए जैसे बाकी यूट्यूबर कहते हैं नहीं मैं आपको नहीं करूँगा रेकमेंड कि आप सिर्फ अगर आपका कॉलिंग बात है या कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हो प्लीज इसको मत लेना बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने अगर आपको बोस ही चाहिए और ए जो कि इसकी ए और क्वाइट कंफर्ट टू जो है नियरली सेम ही है तो आप चाहिए तो वो ले लीजिए कम पैसे में आपको यही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी जो आप महंगे ज्यादा पैसे देके इस महंगे वर्जन में आप खरीदेंगे सो so, कॉलिंग क्वालिटी के लिए आयल से कि प्लीज डू नॉट बाय दिस सो चलिए बात करते हैं कि म्यूजिक सुनने में ये कितने मजेदार है तो नो डाउट बोस ने अपना पूरा एफर्ट डाला हुआ है साउंड की क्लैरिटी बहुत अच्छी है ट्रेबल बैस इंस्ट्रूमेंट सब प्रॉपर जगह पे फिट होते हैं बेस भी इसमें अच्छा है इंडियन वर्जन जो आता है वो थोड़ा ज़्यादा बेस ही होता है वो आपको फील हो जाएगा ट्रेबल अच्छा है इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है सो म्यूज़िक के हिसाब से ये बहुत अच्छा है उसमें आपको नो no डाउट कोई शिकायत नहीं होगी और इमर्सिव मोड जो है वो अगर आप डॉल्बी एटमोस का कॉन्टेंट चलाते हैं तो ऑफकोर्स आपको सेपरेशन ऑफ स्पीकर आगे पीछे राउंड मूविंग साउंड वो भी आपको फील हो जाएगी और बाकी जो इसमें नया है आ, कि जो स्पेशल मोड है जिसमें आप मूव करेंगे स्पीकर वो मैं आपको यही बोलूंगा कि वो आपका पर्सनल अपीरेंस है कि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं मेरे को वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा और जैसे नॉर्मल एक ईयरफोन यूज़ होते हैं या ईयरबड्स यूज़ होते हैं ये उसी तरीके से काम चलता है सिर्फ मैं क्वालिटी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्वालिटी ज़बरदस्त है नो no प्रॉब्लम और जब ए मोड एक्टिवेट हो जाता है और आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो बाहर की कोई फालतू नॉइस नहीं आती है तो आपको एक बहुत अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है नो डाउट इट्स अ थम्स अप फॉर दैट सो गैस अगर हम लोग बात करें इसमें जो नए फीचर्स हमें मिलते हैं इमर्सिव ऑडियो तो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आप पुराने वाला देखेंगे कम्फर्ट टू और अल्ट्रा ईयरबड्स इसमें सिर्फ एक यही फीचर है दोनों को जो अलग बनाता है और अब प्राइसिंग में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है जो कंफर्ट टू है वो आपको चौदह हज़ार के मिल जाते हैं और ये आपको नियरली बीस हज़ार का आता है तो क्या वो इमर्सिव मोड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि आप इतने ज़्यादा पैसे इस पर ज़्यादा खर्च कर सको बजाय कम्फर्ट टू के तो वाइल से कि मैं इसमें ओके ओके हूँ बिकॉज आई फील जो स्पेशल ऑडियो ये क्रिएट करता है कि आप हेड मूव करते हो तो आपको लगता है कि स्पीकर मूव हो गया है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है वो फर्स्ट टाइम में आपको वाओ फील करवा देगा बट वो प्रैक्टिकल नहीं है आप हमेशा ये चाहते हो कि आपके कान हमेशा स्पीकर की तरफ रहे राइट आप खुद स्पीकर हटा दोगे तो आपको कहाँ से साउंड आने वाली है तो एक बार वो फील करने के लिए डेमो जो इसमें दे रखा है वो आपको लगता है कि वाव कुछ नई टेक्नोलॉजी मैंने यूज करी मैंने सिर हिलाया अब मेरे को यहाँ से नहीं यहाँ से आवाज आ रही है यहाँ पे कम आ रही है बट रियलिटी में उसका कोई यूज है ही नहीं और जो इसका बेसिक इमर्सिव ऑडियो है उसमें हर जगह से आप जैसे मूव करते हैं वैसे स्पीकर मूव होता है वो तो बाई डिफॉल्ट सभी में होता है ईयरफोन आपके यहाँ कान में लगे आप यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगी यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगी तो मुझे ये लगता है वो थोड़ा बहुत गेमिक है और इस वजह से अगर आप कम्फर्ट टू खरीदना चाहते हैं मैं आपको बोलूँगा आप प्लीज़ जाइए कम्फर्ट टू के लिए जाइए उसमें और इसमें सिर्फ यही फीचर का फ़र्क है और ये कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है अगर मैं बात करूँ इसकी ऐप की तो ऐप मुझे इसकी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं लगी बेसिक फीचर्स तो है इसमें आप अपना इक्वलाइजर मेंटेन कर सकते हैं एम बी क्वाइट जो भी मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं ए एन की स्ट्रेंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कंट्रोल्स को फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्ले पॉज कॉल रिसीविंग ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं बट जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम नज़र आई इस ऐप में कि कभी ये ऐप कनेक्ट होती है और कभी नहीं होती है और ये सिर्फ इसका प्रॉब्लम नहीं है ये बोस की सारी ऐप का प्रॉब्लम है सो so, यही प्रॉब्लम मेरे को तब भी आती है जब मैं साउंड लिंक यूज करता हूँ चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो ब्लूटूथ स्पीकर हो और सब में ये प्रॉब्लम है एक बार कनेक्ट हो जाते है कभी कनेक्ट नहीं होती और हाँ एक चीज में इसमें बताना भूल गया जो क्वेश्चन काफी रहता है कि क्या इसमें बोस क्वाइट कम्फर्ट अल्ट्रा ईयरबड्स मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं तो नहीं इसमें प्रॉपर आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन दिखा दूंगा एक बार पे एक ही डिवाइस कनेक्ट होता है दूसरा कनेक्ट करने के लिए आपको पहला डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा वो आपको खुद ही ऐप मैसेज दे देती है और फिलहाल कुछ एक न्यूज है कि 2024 में एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू ये मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी डाली जाएगी तो अभी तो फिलहाल नहीं है बट हो सकता है फ्यूचर में ये जरूर आ जाए अब हम बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है ब्रांड कहता है छह घंटे और अगर आप इसका इमर्ज मोड या ए मोड करते हैं तो तीन से चार घंटे और जो केस है उसमें आपको नियरली तीन चार्जेस मिल जाते हैं तो आपके चौबीस घंटे आराम से निकल जाएंगे और ये मैंने टेस्ट भी किया है विच इज कंप्लीटली करेक्ट Uh, काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या इसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है तो अगर मैं ब्रांड की तरफ से बात करूं तो इसमें 20 मिनट में आ, आपको दो घंटे का बैकअप ये दे देता है और वैसे कुछ फुल फ्लैश फास्ट चार्जिंग वाली इसमें बात तो नहीं कही गई है बट फास्ट चार्जिंग के ना पे आपको इतना ही फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है सो so गाइज अगर मुझे फाइनल वर्डिक्ट देना है आप लोगों के लिए तो गाइज मैं आपको ये बोलूंगा अगर आप म्यूजिक लवर हैं बोस के फैन हैं तो प्लीज आप इसको ले लीजिए लेकिन अगर कॉलिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया कॉलिंग इज़ नॉट द सुपीरियर थिंग ए एन नहीं करती इतना अच्छा काम सामने वाले को आपकी वॉइस जितना ज़्यादा नॉइस में बात करेंगे उतना दबी भी दिखती है रोबोटिक वॉइस दिखती है तो मुझे नहीं लगता उसके लिए आप बीस हज़ार रुपये खर्च कर लीजिए यही आपको नथिंग के पाँच हज़ार में भी सेम फिफ्टी डीबी की आपको नॉइस मिल जाती है और वहां पे भी आपका काम चल जाएगा सो गाइज दैट इज ऑल अगर आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की और अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय द सेल